हाल ही में कटरीना कैफ की मुलाकात हुई दलाई लामा से। कटरीना अपनी हर स्पेशल मीटिंग की तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर डालती हैं। दलाई लामा से जब वो फ्लाइट में मिली तो इसकी भी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है। खास बात यह है कि कटरीना दलाई लामा से मिली है उनके 82वें जन्मदिन पर यानी 6 जुलाई को। कटरीना कैफ ने इस तस्वीर को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया, साथ ही दलाई लामा की एक इंस्पिरेशनल कोट भी लिखी जो इस तरह है कि मैन बिकॉज ही सैक्रिफाइसेस हिज हेल्थ इन ऑर्डर टू मेक मनी देन ही सैक्रिफाइसेस मनी to recuperate his health and then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present the result being that he does not live in the present or the future. aaj ke waqt mein log paisa kamane ke piche bhag rahe hain aur apna kal sudharne ke liye apne haath se aaj bhi gawa dete hain aur apna kal bhi. aisi inspirational quote share ki hai Katrina Kaif ne Dalai Lama ki aur kaha hai words that will always ring true only love and immense respect for his holiness on his birthday. professional friend ki baat kare to Katrina Kaif in dino busy hain apne aane wale फिल्म जग्गा जासूस को प्रमोट करने में जो रणबीर कपूर के साथ है और ये फिल्म 14 जुलाई को रिलीज होगी और उसके बाद कटरीना कैफ नजर आएंगी बहुत ही जल्द सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है में जो 22 दिसंबर 2017 को रिलीज होने वाली है।